कहते ना कि अमित शाह ने कह दिया था कि पार्लियामेंट में एक इंच भी नहीं हिलेंगे, हम लोग तो एक इंच की तो बात छोड़िए, हम हाफ इंच भी नहीं हिलेंगे। मैं यही चाहती हूँ हमारी मोदी सरकार से कि हमारी दरख्वास्त वो सुने। ये NRC CA ये BJP का जो भी RSS का जो भी प्रोग्राम है वो प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। जैसे कि योगीनाथ जी ने तो कहा था कि सारे मर्द घर पे सो रहे हैं, कंबल ओढ़ के सारी औरतों को भेज दिया, मगर उन लोगों ने कहा है, भेजा है, पहले शेरनियों से तो बात कर लो, सुलह कर लो, बाद में आएंगे शेर। मैं अमित शाह जी से बोलना चाहूँगी और मोदी से भी और योगी जी से भी, वो क्या बोलते हैं तो हर चीज़ के लिए महिलाओं के लिए हम सुविधा करते हैं, महिलाओं के लिए खास करके हर चीज़ों में वो महिला 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 करते नहीं, हर चीज़ों में महिला को इन्वॉल्व करते, फिर वो महिलाओं के लिए ऐसा क्यों कर रहे? अब महिला रोड पर बैठी नहीं है, हर बात में क्या कहते भाइयों और बहनों, मेरी प्यारी बहनों कितना बोलते हैं, अब भी बहनों को हालत देखो। बिरयानी तो हम लोग ऑलरेडी ऐसे दिन हर दिन खाते ही हैं, बेचारों को नहीं मिल रही है इसीलिए नाराज हो रहे हैं। वो भी आ जाए आज मेहमान बन के हम लोग खिला देंगे, हमारा एक ही नारा है इंसानियत। बात बोलना चाहती हूँ कि देखो वो भी एक इंसान है, वो भी इतना जुल्म ना करे हम लोगों के ऊपर। मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ सब लोगों से, जो भी है आप लोगों को मालूम किसे बोल रहे हम लोग, जो भी लोग हैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ ऐसा सब कुछ ना करे। मैं खुद ऐसे यहाँ पे आके मेरा खुद का दिल एकदम मोम हो गया है, ये लोग कितनी तकलीफ पा रहे हैं यहाँ पे, क्या इन लोगों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है? हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कभी हिंदुओं से पूछा है कि वो बिना मुस्लिम के रहेंगे, या मुसलमान से पूछा है कि हिंदू के बगैर रहेंगे? वैसे नहीं है। अरे हम लोगों के वोट देने से ही, हम लोगों के वोट देने से ही वो लोग वहाँ पे गए हैं। एक ही बात कहूंगी मोदी जी और अमित शाह और योगी से, गेट वेल सून। अभी वो बीमार हैं तीनों के तीनों, जब ये सही हो जाएंगे ना तो हमारा देश भी सही हो जाएगा। जीती तो वतन मुबारक, मरे तो कफन मुबारक। मेरा नाम वारसी है।